हैं सब क्या लड़की हैं सब बाहर अब लेट आएंगे लोग गर्ल्स लोग तो बाहर कर दिया। बाबू इधर देखिए आप लोग मेरी ओर। हॉल नंबर एक में थोड़ा भी जगह नहीं है नमस्ते सुनिए आवाज बढ़ा देना जी हॉल नंबर एक में थोड़ा भी जगह नहीं है आप हॉल नंबर दो में जाके देख लीजिए उसमें जगह मिल जाए तो तीन में जाइए नहीं तो घर जाइए अब कुछ अब नहीं खुल सकता है आपका सुन लिए आप निकलिए जल्दी जाइए जल्दी अब क्लास स्टार्ट कर देंगे तुम पुराना विद्यार्थी अभी तक तुमको समझ में नहीं आया इसको अलग एक कमरा बनाइए समझे थूरने के लिए लड़कों को एक अलग कमरा बनवाइए साउंडलेस हो मतलब अंदर का आवाज बाहर आए थूरिए उसमें बढ़िया से पढ़ता नहीं है सभी सबको एक चीज को बार बार समझाना पड़ता है लाइव वाले लोग जल्दी जल्दी आप लोग लाइव हो जाएंगे लाइव सेंटर वाले लोग थोड़ा सा अभी कोरोना के लड़कों लो को बैठाने में दिक्कत हो रहा है दिख रहे हैं काला काला थोड़ा लाइट जलाओ ना हाँ देखो अब अब गया हमारा पूरा लाइव में बेजती करा देता है मेरा उसमें कम लड़का है सब उसमें लाख है सब चार चार पांच लाख लड़का सबको हमारा वो वाला मेन चेहरा दिखा दिया सबको लगता है कि हम घोरे हैं नहीं जानता ऐसे कि लाइट का कमाल है <laughs> इसलिए आप सब लोग को कहते हैं फोटो पे मत जाइएगा किसी के समझ आगे कि नहीं आगे स्टार्ट करते हैं लाइव वाले लोग जल्दी सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए बहुत कल कहां तक समझाए थे आप लोग को कुछ याद है हा? हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ समझाए थे क्वेश्चन पूछने पे बता देंगे आप लोग हॉल नंबर दो तीन वाले लोग आप लोग जल्दी जल्दी आराम से बैठिए सीढ़ी पे डेली डेली नहीं समझाना पड़ेगा इन लोग को

भाई साहब आपको नहीं समझ में आता है जितनी भी मूवी बनती है वो क्रोमा सूट होता है पीछे ग्रीन कलर का पर्दा लगाया गया रहता है ताकि वो बैकग्राउंड अच्छा ले कहता है कि ग्रीन है खराब है <laughs> गजब हो यार पीछे प्रोजेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं ना कोई नहीं रुक जाओ हम खुद ही देख लेते हैं <laughs> 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 कहा कोई प्रॉब्लम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है <laughs> तो मास्क है मास्क विदाउट मास्क आ गया तो हम यहाँ अकेले मतलब सपोज कीजिए हम तो डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हैं तो हमारे लिए मास्क जरूरी नहीं भी है क्योंकि उतना दूरी दो गज दूरी मास्क है जरूरी हम तो लागू किए हुए हैं लाइव वाले लोग आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आप लोग घर में अगर मम्मी पापा के साथ बैठे हैं लोग तो कोई दिक्कत नहीं घर वाले लोग घर में तो मास्क की कोई जरूरत नहीं लेकिन अगर बाहर कई लड़के आप लोग को समझ में आता है जितना लड़का आजकल पढ़ाई पे मेहनत कर रहे हम आपको कभी फिरसत मिले तो एक कभी फिर में लेकर तक वीडियो दिखाएंगे अप्लीकेशन पे अभी जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कोई भी बच्चा आता है कहता है कि हैंडीकेप है हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है किसी हैंडीकेप का इसमें पैसा नहीं लग सकता बट ससुर अप्लीकेशनवा में ना वो मशीन है वो नहीं जानता है कि आदमी है कि जानवर है तो हाँ, एक बार हम ही चेक कर रहे थे कि हिस्ट्री चल तो कि तो रहा है कि नहीं तो कि परचेज हम कह <laughs> <laughs> रहे हम परचेज नहीं खुला <laughs> खुद परचेज किए लेकिन नहीं खुला तो वहां हमने एक चीज देखा कि गरीबी बहुत चीज है लेकिन गरीबी इंसान को सबसे बड़ा बहुत कुछ छीनती है हमसे गरीबी लेकिन जो सबसे बड़ा चीज देती है वो साहस देती है लड़ने का हम तीन चार विकलांग लोगों को देखे थे उन लोग का एक ग्रुप था और एक लड़का एडमिशन लिया था और मोबाइल को ऐसे टांग दिया था सब दीवार पे से टेप से चिपका के या किसी चीज से स्टैंड बनाया था और चार चार लड़के पढ़ रहे थे दो सौ रुपया भी समाज में अभी दो रुपया केवल अप्लीकेशन पे है तो वहां पर भी चार लड़कों ने मिलाया पचास पचास रुपया करके पढ़ रहे पढ़ाई का शौक है तब तो और यहाँ पटना में आने के बाद लड़का सबको हर सैटरडे संडे चौमिन चाहिए आपने खाएगा ओकरो खा लो ससो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट किया जाए चलिए लाइव वाले आप लोग जितने लोग हैं आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा इस क्लास के जस्ट बाद अपलोड हो चुका होगा दिखने लगेगा अब हम आपसे क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य किस काल में मिले थे पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से नौ पाषाण कौन से नौ पाषाण नौ पाषाण काल का टेक्निकल नाम जैसे लीथ होता है ना माइक्रो इस टाइप का तो कौन सा लीथ था नौ पास हाँ मेघालीथ चिल्को लिथ किस काल को कहा गया हा ताम्रपाषाण। चिल्क चिलको पायराइट से मिलता है आपसे और पूछते हैं माइक्रोलिथ किस काल में हुआ? पहली बार खेती की देखने को कहा मिला था देखिए नहीं नहीं सुनिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर से हम खेती के बारे में एक दो तीन और बताते हैं थोड़ा डिटेल्स खेती

गेहूं है कहीं चावल है कहीं कुछ है तो आपको लगेगा कि नहीं ये सिस्टमेटिक बोया गया और ऐसे तो कुछ भी करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौधा तो उग ही जाता है समझ में आ गया कि ना आ गया किसी कोई दिक्कत तो सुव्यवस्थित ढंग से खेती जो देखने को मिला था वो तो हमें नौ पाषाण काल में मिला था लेकिन खेती के पहले साक्ष्य मध्य पाषाण मध्य पाषाण मध्य पाषाण काल में मिला था किसी कोई दिक्कत नहीं मध्य पाषाण काल में कितने लोग बता सकते हैं किस जगह से मिला था हाँ जीरान लोहरा देव नहीं 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 लोहरा देव में तो सबसे प्राचीनतम साक्ष मिला है लेकिन वो साक्ष जो है हा? जिरान ईरान नहीं देखिए आपको याद है मध्य प्रदेश का हम स्थल बताए थे कुछ याद कीजिए मेहरगढ़ नहीं आदमगढ़ वेरी गुड आदमगढ़ चलिए ध्यान से आदमगढ़ कौन सा जगह आदमगढ़ कौन सा आदमगढ़ ठीक कि नहीं ली आदमगढ़ कौन सा जगह आदमगढ़ आदम किसी कोई को दिक्कत नहीं बागोर एक और जगह था देखिए ये पूछेगा बहुत कम बागोर लेकिन राजस्थान के जितने लड़के रहते हैं राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें बागोर पूछ देता है बाजौर मत याद रखिएगा बाजोर बाजौर में बाबर ने आक्रमण किया था क्या है बागोर एक सराय, बा, सराय बाहुर बहादुरगढ़ एक जगह है सराय बहादुरगढ़ सराय सराय बहादुरगढ़ ये कहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश में है कहाँ पर उत्तर प्रदेश मुगल सराय टाइप का जो देखते हैं ना वहीं से थोड़ा सा दूर पे है प्रतापगढ़ के पास वहाँ से तो ये जो जगह थे यहाँ पर खेती के मिले थे लेकिन ये सुव्यवस्थित नहीं थे आपसे सबसे ज्यादा कोई पूछेगा तो कौन सा पूछेगा आदमगढ़ आदमगढ़ कहाँ मध्य प्रदेश आदमगढ़ कहाँ मध्य प्रदेश में बागौर राजस्थान बागौर राजस्थान यूपी में ये कौन सा जगह सराय बहादुरगढ़ तो ये सराय बस याद रखेंगे आपको यहाँ से याद हो जाएगा अब आगे समझते हैं ये जितनी भी खेती थे ये अव्यवस्थित थे ठीक है सुव्यवस्थित कर देगा खेती की अगर सुव्यवस्थित तब क्या बताएंगे नौ पाषाण कौन सा नौ पाषाण काल में नौ पाषाण काल में अभी तो हम लोग को यही लगता है कि भैया जो खेती थी वो कहां से शुरू हुई थी मेहरगढ़ से कहां से मेहरगढ़ से लेकिन अभी कौन सा जगह जो अभी हाल फिलहाल में खोज हुआ है बताइए कौन सा लेवरा देव गौरा देव गौरा देव चलिए ये तो समझ में आ गया आपको पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से जीवन कहाँ यापन किया था मेहरगढ़ वह तो कौन सा ऐसा जगह था जहां पर मानव के हर एक श्रेणियों को देखने को मिला है चाहे वो आपका पाषाण हो मध्य पाषाण हो या कोई और कहां से मेहरगढ़ कहाँ से मिला है मेहर किसी कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक मैं तो कंप्लीट बता ही दिए थे आप लोग को अब देखिए किसी को अब तक हम एक अक्षर लिखवाए हैं नहीं लेकिन अगर हम कल को टेस्ट ले ले तो कितने लोग कॉन्फिडेंस है कि पास हो जाएंगे लड़की जब कॉन्फिडेंस नहीं लड़की सब हाथों आधा उठाती है आधा नहीं उठाते उन लोग को इस सबसे कोई विशेष काम नहीं रहता है कहेंगे कितना होशियार लड़की है तब वो कोनो नहीं उठाई कहेंगी बकलोल कोने? तब वो नहीं उठाएगी समझ में नहीं आता कोने जाएगी चलिए ध्यान से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए तो कल टेस्ट ले लिया जाए हम चाहते हैं कि एक बार इस टेस्ट को इस तरह से लिया जाए कि जो मतलब बिना कुछ लिखवाए बिना कुछ किए एक बार देखते टेस्ट लेके देते हैं ले लिया जाए कल कि मतलब पहले लिखवा दिया जाए उसके बाद टेस्ट हा? एक काम करते पहले ले ही लेते हैं तब पता चलेगा कि मतलब नकल करने का कोई रास्ते नहीं बचेगा हाँ उसके बाद आपको लिखवा देते हैं ठीक है कल रेडी रेडी रहेंगे आप लोग सब लोग रेडी है लाइव वाले सब लोग रेडी है तो रेडी तो जो जो चीजें और हैं उसको हम आगे समझा देते हैं फिर टेस्ट के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे अब देखिए ये तो खेती वाला पता है पता है सबसे पहले जौ की खेती कहां देखने को मिली हा वेरी गुड गेहूं देखने को मिला धान अरे गेहूं देखने को कहां मिला था मेहरगढ़ धान देखने को मिला हा yeah. कोल्डीवा कोल्डीवा किस राज्य में है हा यूपी उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद के पास उस जगह जगह से कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता अब आप बताइए व्यवस्थित ढंग से खेती सबसे पहले लेकिन नए खोज के अनुसार कहां पे हुई लोराद याद रहेगा किसी कोई दिक्कत नहीं पहली बार भारत से मानव की खोपड़ी वाले कंकाल किस राज्य से मिले हाँ हाँ राज्य पूछ रहे हैं बबुआ तमिलनाडु शहर कौन सा चेन्नई ट जगह कौन सा पल्लव रन पल्लव रन कहा पल्लव रन से किस राज्य में जम्मू कश्मीर के किस जगह से गर्त में रहने का साक्ष्य मिला बिहार में कौन सा चिरा बेट का किस राज्य में भीम का किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा सराय बहादुरगढ़ बागोर आदमगढ़ आदमगढ़ किसी कोई दिक्कत नहीं तक में। दूसरा एक क्वेश्चन थोड़ा चीजें तो दे देखने को मिली एक जगह उत्तर प्रदेश में दमदम -दम जगह था वहां वहां पर आपको लाश बड़ी ज्यादा मिले एकतालीस बयालीस ठोलाश मिल गए एक वहां से क्वेश्चन आ जाता दूसरा आपको ये क्वेश्चन पूछा था इसमें एग्जाम में पीसी देखिए ये पाषाण काल से ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं मतलब जो स्टेट कमीशन के लेवल का एग्जाम है उसमें पूछता जाता है एसएससी वगैरह में यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भैया जब आपको पढ़ना ही है तो पूरा पढ़ के जाइए ना आपका काम है हम लड़का पढ़ता है कि एस की तैयारी करना अरे भाई साहब तू किसी फौजी को सुने है कि उसको कहा गया कि तुमको पाकिस्तान से लड़ना है उसे क्या सिखाया जाता है गोली चलाना उसे क्या चलाया जाता गोली चलाना जानो एकदम सटीक निशाना मार दो अब भैया जब वो गोली चलाना सीख गया अब उसको चाइना बॉर्डर पे उतारिए चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे उतारिए नहीं तो भारत के अंदर कोई नोटंकी कर रहा है तो वो उतार दीजिए देखिए धूल के चल जाएगा सब लेकिन अगर आप उसको स्पेशली ट्रेनिंग देंगे नहीं पाकिस्तान से लड़ना है पाकिस्तान से लड़ना है तो चाइना से लड़ेगा भी तो उसके दिमाग में टेंशन टेंशन सचराम तो पाकिस्तान के लिए ट्रेनिंग में थे छोटे छोटे क्या मारेंगे हम तो इसलिए आप सिलेबस पे फोकस कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं ना कि आप लोग किस पे फोकस करेंगे इस पे पे लाइव वालों लोग को देखते रहने नीचे करो ना थोड़ा सा एक सेकंड हमको मोबाइल पे देखना पड़ रहा है ऊपर स्क्रॉल करो लाइव में अभी फ्रंट एंड सर्वर पर कितने ज्यादा लोग हैं बस उसको बस 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 पे बार बार झमेला देखना देखना। हो जाता है ना ज्यादातर लड़कों को सर्वर में होता क्या है सर्वर लड़का हल्ला करता है ऐसा वाला की। सर्वर का है बैठ गया देखो भाई मान के चलो चार लाख लड़का सर्वर का कैपेसिटी एक एट ए टाइम देख सकता है इलास्टिक करके इसको कितना ले जाया जा सकता है सात लाख लड़का हमरा बोलता है कि आप का है सर्वर इतना छोटा लिए अरे भाई मान के चलो हिस्ट्री में चार अलग है जो लड़का प्लिटी में एडमिशन लिया है ना तो हिस्ट्रियों में लिया है वो ससुरा कूद जाता है इसमें आप लोग एक साथ नहीं आ पाते मोबाइलों में क्या दिक्कत हुआ अभी रजाई में होंगे सब <laughs> चलिए ध्यान से देखते हैं आगे मध्य पाषाण काल में दो जगह सबसे फेमस थे सब एक आपका दमदम दम दम दमदम -दम। दम -दम तो कलकत्ता में हो जाएगा दमदमा दमदम दमदमा दम, दम दमदम तो कलकत्ता एयरपोर्ट में हो जाएगा दमदमा उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक और है महदहा ये दोनों यूपी में जगह है इन दोनों से एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा दोनों का संबंध हड्डियों से है दोनों का संबंध हड्डी से है लेकिन यहां पर हड्डी जो मिले हड्डी इस हड्डी से औजार बनाए गए थे हड्डी से क्या बनाए गए थे औजार हड्डियों के औजार उत्तर प्रदेश के मह मह दहा थोड़ा तो सा प्रोनाउंसिएशन है इसको चार बार बोलना पड़ेगा ये तो दमदमा याद याद हो जाएगा शब्द तो जल्दी नहीं होता है मह दहा तो मह दहा से क्या मिला है हड्डी के औजार मह दहा से हड्डी के औजार मह दहा से हड्डी के औजार क्वेश्चन समझिए ध्यान से कहा आप गलती करेंगे कहेगा क्वेश्चन में विशाल पाषाण काल में ये नहीं बोलेगा मध्य पाषाण काल में पाषाण काल में विशाल अस्थियों के एक जगह मतलब साक्ष्य मिले हैं में सबसे पहले रहते हैं जनते है मोहन जोदड़ो लड़को पढ़ जो जो लगाना है सौ दमदमा दम -दम में।, तो दम में क्या मिलेगा भैया सौ।, दम सौ सौ मतलब क्या होता है लाश दमदमा में सौ यानी लाश मिलेगा तो मध्य पाषाण काल में दो एक ये चीज को याद रखेंगे कंप्लीट समझ में आ गया अब जितना चीज हम आपको बताए हैं ये हम आपको क्या सिस्टमेटिक बताएं नहीं एक के बार बताते तो आपको पहाड़ लगने लगता है।, काल बहुत है पहला दिन जब आप क्लास किए होंगे तो बड़ी मजा आया होगा ऐसे जब पाषाण काल तो तनिसा है धाए से निकल गया आग की खोज लीते हैं माइक्रो लीता उधर कृषि पशुपालन पहला दिन हम बतेबे नहीं किए थे कि इतना बड़ बड़ है भाग जाता सब ऐसा पढ़ता सब महादहा धमधमा कुंद पहले दिन बोलते गेरू गेरुवर्णीय मृदभांड तो भाग जाता भाग जाता कि नहीं है कितने लोग बता सकते हैं गेरुवर्णीय मृदभांड का सबसे ज्यादा साक्ष्य किस शहर से मिला है हरियाणा में वो शहर है कौन सा जगह हस्तीना गेरु वर्णीय मृद भांड किस काल में देखने को मिले थे किसमें नौ पाषाण वो किसमें देखने को नौ पाषाण में लेकिन देखिए देखिये वर्णीय मृदभांड जो थे वो कहां पे मिला था भैया काल काल में पासार काल में जब आगे आए थे थे तो जो भी थे, वो किसके बनने लगे थे तांबे के बनने लगे थे किसके बनने लगे थे तांबे के इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाते हैं चलिए आप ध्यान से आप क्वेश्चन बताना चालू करेंगे दमदमा किस राज्य में भारत का वह शहर जहां पर हड्डियों के औजार देखने को मिले थे महादह महदहा 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 से हड्डियों के बहुत बड़े औजार के भंडार मिले हैं जबकि दमदमा से एक सौ मिले दमदमा से सौ मिल अब हम लोग क्या करते हैं ना राज्य वाइज पढ़ना चालू करते हैं उत्तर प्रदेश में घुस गए हैं अब यहीं लगने लगने उत्तर प्रदेश का एक सराय बहादुरगढ़ ये बताइए यहाँ पे किस चीज के क्या पशुपालन या कृषि के साक्ष मिले किसके साथ किसी के साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाए अब एक बात बताएं और उत्तर प्रदेश में एक चीज बताइए जहां कृषि का साक्ष मिले कोल्डी हुआ उत्तर प्रदेश में कोल्डी हुआ किस चीज के साक्ष हाँ चावल के अच्छा एक और बताइए तो लोहरादेव देव हाँ वो तो अब ये नवीनतम खोज के हिसाब से लोहरादेव वो भी कहाँ है उत्तर प्रदेश पाजौर जगह कहाँ पर है पागौर जगह राजस्थान पागौर किस चीज के लिए पागौर

मेहरगढ़ कौन सा मेहरगढ़ मेहरगढ़ पाकिस्तान के किन पहाड़ियों के बीच में है मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं कितने साल पुराने हैं जबकि लौरा देव से जो साक्ष्य मिले वो आठ हजार कितने साल आठ हजार साक्ष मिला कंफर्म याद रहेगा किसी को दिक्कत नहीं समझ में आ गया आप लोगों को बिहार का वह स्थल जो सारण में है बिहार का स्थल जो सारण में चिरान कौन सा जगह चिरान लिए प्रसिद्ध था गर्त आवास गर्त आवास भीम बेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है यह भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है या गुफा चित्र हाँ गुफा चित्र गुफा चित्र के लिए है, गुफा पत्थरों के होते हैं तो वो उसमें आप शैल चित्र कभी कभी लिख सकता है तो आप उसको आराम से बना सकते हैं चित्र में पल्लव रन किस लिए प्रसिद्ध है मानव के कंकाल स्पेशली कहाँ के खोपड़ी वगैरह के मिले थे ज्यादातर पल्लव में वहीं पे मिले थे याद रहेगा आप लोगों को किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आगे बताइए इतिहास के जनक हाँ हेरोटोटस बता देंगे जॉन ब्रूस ये इतिहासकार थे पुरातात्विक विद थे या भूगर्भ वैज्ञानिक थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक इतिहासकार नहीं थे इतिहासकार जो होता है वो किसी चीज की जानकारी देता है जो तो ऑलरेडी सबको पता है जैसे महात्मा गांधी के बारे में सबको पता है कुछ नया चीज बता सकता है लेकिन पुरातात्विक कुछ नया नहीं बताया खोद खाद करके इधर उधर पहाड़ वगैरह में से ये चीज को क्या करते हैं बताते, है। अगला बताते हैं अगला क्वेश्चन बताएंगे लोग बता देंगे भारत में सर्वेक्षण के लिए जो संस्था है वो किस शहर में स्थित है भोपाल में मानव संग्रहालय का नया नाम क्या कर दिया ह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय या मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा संस्कृति मंत्रालय पूरे विश्व के लिए यह संग्रहालय किस देश में है डेनमार्क के शहर कोपेन है कौन सा शहर कोपेन आप में से कितने लोग बता सकते हैं क्रिश्चियन थॉम्सन जे जे थॉम्सन नहीं क्रिश्चियन थॉम्सन इतिहास को उसके लिखित स्रोत के आधार पर बांटा या मिलने वाले औजार के आधार पर कितने स्तर में विभाजन किया वह कौन सा ऐसा जगह था जो तीनों स्थलों में देखा गया हाँ मेहर ऐतिहासिक काल जिसमें लिखे गए जानकारी को पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन क्रिश्चियन ने इसे किस काल में डाल दिया है नहीं नहीं वेरी गुड किसमें डाला है कांस युग कैसे करते हैं? थोड़ा सा आप कंफ्यूज किस बात पे हो जाते हैं ना आप लोग पाषाण काल के अंदर वह चल जाते हैं तो पाषाण काल में ये वाला जो प्राग ऐतिहासिक था प्राग देखिए प्राग ऐतिहासिक इसमें ना तीन है और ये ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता है ठीक है बढ़िया तो हम इसको बारे में नहीं पूछा हम कह रहे हैं कि इसमें जो आपका कांस युगीन सभ्यता थी इसमें कांसे की खोज हुई थी इसमें लोहे की किसकी लोहे अब बताइए आप खुद आप कांसे से ज्यादा भली भली-भाती परिचित है या फिर लोहे से ऐतिहासिक काल थोड़ा सा हिल गया है अच्छा कोई बात नहीं बाबू वहां पे क्या जहां लगा है बैच में थोड़ा सा और इसको घस घसका। इसको घसकाना है किसको चलो घसक गया तो अंदर का अंदर चल जाएगा और तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज में था चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो ये कौन सा था भैया ये आद्य ऐतिहासिक इसमें क्या मिला सिंधु सभ्यता हर व्यक्ति जो होता है वो तांबा भले पहला यहाँ पे क्या मिला प्राग ऐतिहासिक में तांबा तांबा चिल्को तांबा का लास्ट काल में हम लोग चिल्को लिथ दिए थे ताम्रपाषाण काल को इसमें क्या मिला कांसा क्या मिला कांसा इन दोनों की खराबी क्या होती है भैया तांबा जो होता है ना एक तो कॉस्टली मिलता है जितना तार होता है कॉपर का तार होता है उसमें एक खराबी है लचीलापन हो जाता है कांसा जल्दी हम लोग व्यवहारिक नहीं है आ, ये क्या हो जाएगा इसमें लोहा मिल गया हम लोग सबसे ज्यादा व्यवहारिक किस चीज से है लोहा इसी वजह से सब मेहमानों कहा रहने लगा ऐतिहासिक काल में कहा क्योंकि यहां उसे लोहा मिल गया लोहा से वो हल कुदारी बेलचा हसुआ सब बनाने लगा और पहले जो समय था इवन की आजादी से पहले भी हम लोग मुख्य रूप से किस पर डिपेंड थे खेती पर डिपेंड थे और आज भी भारत में छप्पन परसेंट लोग किस पर डिपेंडेंट है खेती पर है है कि नहीं या? तो यहाँ लोहा ने इसमें क्या कर दिया परिवर्तन कर दिया हम आपको कंप्लीट बताए हैं कौन सा चीज प्राग काल कौन सा प्राग इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन फंसेंगे समझिए ध्यान से क्वेश्चन आएगा इतिहास के जनक का जो लाइन है हम सेम पढ़ रहे हैं इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है इसे कहा, जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन ज्यादा ना, ना इससे कम मतलब इसे आप विज्ञान से बड़ा मत समझिए और विज्ञान से छोटा मत समझिए नहीं नहीं, जॉन ब्रुष ने जॉन ब्रुष तो खूब भूगोल इतिहासकार था ही नहीं तो वो था मतलब पुरातात्विक वाला था क्यूरी नाम था क्या नाम था क्यूरी याद रखने का बड़ा सिंपल ट्रिक है विज्ञान में कोई क्यूरी नाम की मिली है हां मैडम क्यों वो खानदानी वैज्ञानिक थे सोकर बेटियों वैज्ञानिक थे आदमी होकर आदमी मतलब सोचते हैं उसका बड़ाऊ <laughs> तो मैडम क्यूरी से याद रखिएगा इसे जो, जो, जो साइंस में रेडियम की खोज रेडियो कृत्रिम रेडियो एक्टिवता नोबेल पुरस्कार विजेता पियरे क्यूरी आइरीन क्यूरी मैडम क्यूरी खानदान है यहाँ पे तो याद कैसे रखने का तरीका भैया क्यूरी साइंस में मिल गई तो क्यूरी से आपको लव आ जाएगा थोड़ा सा ब्यूरी क्या नाम आ जाएगा ब्यूरी तो ब्यूरी साहब ने कह दिया कि इतिहास एक विज्ञान है ना इससे ज्यादा कम आ गया लेकिन आपको क्या लगता ये है ये विज्ञान है चलिए ध्यान से देखिए ये विज्ञान में इतिहास में सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इतना इंटरेस्टेड चीज़ है बहुत आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए अगर आप पढ़ते वक्त अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम अभी किस साल में चल रहे हैं जैसे अगर आप पाषाण काल पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि अभी आने वाला है आद ऐतिहासिक अगर आने वाला है आद ऐतिहासिक अगर दिमाग में ये है कि हम कहाँ खड़े हैं तो इतिहास उसी दिन आपका साइंस की तरह लगने लगता है लेकिन जिस घोछू को यह पता नहीं है कि हम समुद्र गुप्त पढ़ रहे हैं आगे कौन गया पीछे कौन गया आने वाला कौन है इसका खानदान कौन है फिर उसको इतिहास का एक बोझ है और रियलिटी इतिहास से बड़ का बोझ नहीं बस इतिहास में एक चीज बस इतना ध्यान रखना चाहिए हम अभी कहाँ हैं क्योंकि ये अतीत का अध्ययन है और अतीत के अध्ययन यानी बीते हुए समय को आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप खुद को बीते हुए समय पे ले जाके खड़ा करें तब समझ में आएगा अभी जनरली आप में से बहुत से लड़कों को हम कह दे के हर्षवर्धन दिमाग से उतर जाएगा टाँ लेके चल गए चले गए नहीं लेकिन अभी हम आपसे तो ब्यूरी ने कहा था कि ये एक कैसा अध्ययन है विज्ञान का क्योंकि विज्ञान की पहली ही परिभाषा होती है क्रमबद्ध तथा सुसंगठित विज्ञान मतलब अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं तो जब आप क्रमबद्ध करेंगे सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको तो वैसे ही पता रहेगा कि भैया हम अभी पाषाण में है पाषाण काल को खत्म करेंगे तो अभी पाषाणे काल में चलेंगे तो पूरा पाषाण मध्य का नौ पासड़ में आएंगे फिर ताम्र पासाण में आएंगे तो सिस्टमेटिक आते जाएंगे याद रहेगा आप लोग को ये सारा क्वेश्चन हम एक भी नहीं लिखवाए हम आपको कल टेस्ट दे, दे देंगे यहाँ पर और भाई लाइव वाले जो अपलिकेशन वाले हैं उनको तो पी मिल जाए वो तो, तो अभी अपलोड कर दिए इसलिए आपको ईमानदारी के भरोसे पर आप डिपेंड करते हैं जो लाइव वाले लड़के हैं वो आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं यहाँ तो हम लाजूता जूता दे के सिंसियर बना देते हैं बात है अभी गारंटी कहते हैं कल आप में से बहुत सारा आदमी पिटाएगा नीचे देखिएगा ना बहुत सारे लोहा लकड़ रखा है और उसको ध्यान से उसका साइज देख के थोड़ा पूरा तात्विक दिमाग लगाइए किस लिए रखा है दिख रहा है क्या लग रहा है पीटने के लिए आप देखते रहिए कल से स्टार्टिंग चालू हो जाएगा तो ये आप लोग स्टार्ट रहेंगे समझ में आ गया हम यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाए आगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें आगे बढ़ जाए पाषाण प्राग ऐतिहासिक में प्राग ऐतिहासिक कालखंड में आप बताएंगे क्या लिखित स्रोत थे क्या इसे पढ़ा जा सका है उसमें था ही नहीं पड़ेगा कौन इसमें कौन सी धातु की खोज हुई पशुपालन का पहला साक्ष कहां देखने को मध्य पाषाण काल में ठीक है समय क्या था मध्य पाषाण जगह बता सकते हैं आदमगढ़ आजमगढ़ कह देंगे तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आजमगढ़ आजमगढ़ का नाम बदल के आर्यमनगढ़ होने वाला है क्या होने वाला है आर्यमनगढ़ किसी को कोई दिक्कत आगे देखिए पहले ही हम आपको बता दे रहे आर्यमनगढ़ उसका पुराना नाम था आर्यमन आर्यमनगढ़ बहुत पहले नाम इससे इस पर ज्यादा कोई मतलब नहीं आगे हम आपको पढ़ते आदमगढ़ मध्य प्रदेश में बताइए पशुपालन का वह जगह जो राजस्थान में प्रसिद्ध था बागोर कौन सा बागोर कौन सा गांव बाग उत्तर प्रदेश में सराय बहादुरगढ़ सराय याद रखेंगे मुगल सराय से भले नाम बदल गया मुगल सराय से याद हो जाएगा सराय कोई दिक्कत नहीं है वहां पर बियूरी ने इतिहास को क्या बना दिया हाँ भारत में बताइए भारत में खनन यानी पूरा तात्विक भाग पूरा तात्विक के जनक किसे कहा जाता? जाता है हां कनिंगम किसे कहा जाता है कनिंग आप में इसी क्वेश्चन पे फंस जाएंगे आप लोग यहां पे अरे बैठी बबनी उधर जाके बैठिए कितने बजे से क्लास है बट लेट हो गया नौ बजे से टाइम क्या हो गया जी नौ चालीस बैठिए इतना खतरनाक काम लड़की कर सकती है बाबू थोड़ा सा टाइम लीजिए आप खुद समझिए आप हम आपको डांट बोल सकते हैं आपको जो पढ़ा दिया गया वो कभी दोबारा नहीं मिल सकता कैसे समझाएं आपको आप अपना भी खराब की पांच मिनट इन लोग का खराब की लाइव वाले हैं वो क्या सोचते होंगे सब सर लिए पटना गया है सर जो सुतले रहता है सर देखिए अगर हम किसी को एक गिलास पानी देते हैं देते हैं इस पानी को एक दूसरे गिलास में डालो इसमें से हंड्रेड परसेंट कभी नहीं आएगा कुछ ना कुछ इसी आ जाएगा में हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो आपके पास गया है और आप अगर किसी और को पढ़ाएंगे ना हंड्रेड परसेंट कभी नहीं और आप लोग तो फाटल गिलास <laughs> 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 जय करेगा कि नहीं उसमें को नजीक ना है फर्स्ट बैच है स्टी का ये वाला जिसमें बिना कुछ लिखवाए बिना कुछ दिए कल टेस्ट की तैयारी है कल कैसे भी हर हाल में टेस्ट ले लेना है लड़का आते उसको टेस्ट की कॉपी दे देना है या एग्जाम में और वालों को अभी डाल देना है है ठीक वो अपना पढ़ते रहेगा ईमानदारी पे भरोसे में तो हम लोग अब प्राग ऐतिहासिक में देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग क्या आते हैं आद ऐतिहासिक में किसमें आद ऐतिहासिक में आद ऐतिहासिक में लिखित है कि नहीं है लिखे पुरातात्विक भी हाँ है जी अरे यार है तो हाँ पढ़ा नहीं जा सका लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा यहीं से पहला क्या पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता में जब लिखित है तो बताइए किस भाषा या किस लिपि में है तो ना किसी भाषा का पता है ना किसी लिपि की पता जैसे भाषा होती है हिंदी हमारी भाषा क्या है हिंदी लेकिन लिपि हिंदी नहीं है लिपि है देवनागरी लिपि ये बताती है सोचो लिखबो को नहीं पड़े समझ में आया लिपि कोने पड़े लिपिएगा <laughs> लिपि मतलब को कोने पड़े लिपिएगा कौन सी लिपिएगा ही गोली मारी उर्दू लिपिएगा हिंदी लिखिएगा क्या लिपिएगा ली? कोने पट्टी तो हम लोग ऐसे लिखते हैं खरोस्टी में है ना से लिप देते हैं लिख देते रोमन में ऊपर नीचे लिप देते हैं तो लिपि का मतलब होता है कोने पट्टी लिपना चालू किया है बचपन में हम लोग लिखते थोड़ी थे लिप के चलाते थे बचपन में लिप के छोटका बच्चन को पढ़ते देखें उन लोग के सबसे बेहतरीन लिपि उन सब लिपि नहीं पता चला सेम सिंधु सभ्यता की तरह लिखते हैं सो छोटका बच्चा सी बोलिएगा सी सी तो रुके नहीं करेगा

बना देता है कि नहीं बता देता है तो वो क्या थी भावचित्रात्मा तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी सिंधु सभ्यता कहां पर है भारत में पाकिस्तान में भी है सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की पहली बार मैसेज किसने दिया था चार्ल्स मैसेज किसने दिया मैसेज सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज किसने दिया मैसेज भाई ये सिंधु सभ्यता पे तो एक मूवी भी आई थी मोहन जोदड़ा देखे कि नहीं

सिंधु सभ्यता जो था यहां से सिंधु नदी निकलती थी कौन सी नदी सिंधु नदी सिंधु नदी का उद्गम भारत में है या पाकिस्तान में तो क्या कहेंगे? नहीं है भाई उसमें तो सिंधु सभ्यता पहली बात आते हैं सभ्यता क्या चीज होती है तो सभ्यता मानव के उस समूह को कहा जाता है जो एक दूसरे से बातें करके समझ सके और एक दूसरे के काम में आ सके उसी को क्या कहते हैं सभ्यता हमारी अपनी एक सभ्यता होती है सभ्यता का जो शुरुआत होती है सभ्यता की शुरुआत होती है उस जैसे मान के चलिए बिल्डिंग है इसकी एक नेव से शुरुआत हुई होगी वही न्यू ऊपर चढ़ते 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 एक बड़ा बिल्डिंग बन गया होगा उसी तरह से कोई भी सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो घर में दिए जाने वाले संस्कृति से शुरू होती हमारे भारत की संस्कृति जो थी वो पहले से थी दूर से नमस्कार करने का कोरोना में पता चल गया कि यही ठीक था ठीक नहीं हमारी संस्कृति जो थी भारत की गिलास में ऊपर से पानी पी लेते थे कोरोना में पता चल गया ठीक था रही तो यहाँ पे तो कहीं भी जो चीज होती है जो हमें घर में संस्कार दिए जाते हैं जब ये संस्कार किसी बड़े से देश द्वारा या किसी बहुत बड़े क्षेत्र द्वारा ये लागू किया जाने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है सभ्यता कहा जाता है क्या कहा जाता है सभ्यता जैसे भारतीय सभ्यता उनके कपड़ों को देख के बता सकते हैं वेस्टर्न सभ्यता उनके कपड़ों को देख के बता सकते हैं भारतीय लोगों की बातचीत से वहां पे भी बातचीत से आप पता कर सकते हैं पे तो सिंधु घाटी जो थी थी वो एक सभ्यता सभ्यता सभ्य मिला के बनता है सभ्य मानव को इंग्लिश में कहा जाता है सिविलाइज पर्सन तो द लिविंग प्लेस ऑफ सिविलाइज पर्सन इज नोन एज सिविलाइजेशन सभ्य लोगों के आवास के जगह को हम सभ्यता कहते हैं इसी कारण सभ्यता का पालना यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्रेडल मतलब झूला जिसमें पाला, जिसमें बच्चा पड़ा होता है तो सभ्यता का पालना हम एशिया को कहते हैं जबकि मानव जाति पहली बार जब आई थी वो अफ्रीका में आई थी। मानव जाति आई थी अफ्रीका में तो मानव जाति का पालना कहेगा तो अफ्रीका लेकिन वो सभ्य मानव नहीं थे वो कैसे थे असभ्य आदि मानव थे सचो कुछ खा पी जाता था सब वहां पे तो वो चाइना वाले मगर मच खा गया सब छुट्टा सब यहाँ पे देखिए ध्यान से तो सभ्य मानव के स्थान को क्या कहा जाता है सभ्यता इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया क्योंकि जितने सभ्य मानव शुरुआत में रह रहे थे ना इस नदी के अगल बगल में रह रहे थे इस नदी के अगल बगल में जबकि आप कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं सब हम तो पढ़े हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे लोथल भोगवा नदी के किनारे था को सिंधु नदी कोई दास्क नदी कोई कुछ नदी लेकिन समस्या ये था ना जितने शहर मिले हैं वो सब किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं और वो नदियां कहीं ना कहीं जाके सिंधु नदी में मिल गई है कहाँ जाके मिल गई है सिंधु नदी में जैसे अभी के वक्त में आप देखेंगे तो बहुत जगह पे एट अ टाइम पे क्लास चल रहा है जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्टर पे बैठ के लड़का सेमी ऑफलाइन पढ़ रहा है मतलब ऑफलाइन भी है नहीं भी है बहुत लड़का मोबाइल पे पढ़ रहा होगा आप लोग यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं हॉल नंबर दो तीन तीन चार जगह पढ़ रहे हैं लेकिन सबका कनेक्शन किससे है हम से है। तो ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो सबका कनेक्शन हम से तो उसी तरह से आज से लगभग ढाई ईसा मसीह के जन्म से लगभग ढाई हजार साल पहले यानी अभी के तुलना करिएगा तो कितना हो जाएगा साढ़े क्योंकि दो साल तो हम जी गए हैं पर तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग ढाई साल पहले जो सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता में लगभग साढ़े तीन सौ शहर मिले हैं कितने शहर साढ़े तीन सौ शहर और ये शहर जो है ये किसी ना किसी नदी के किनारे हैं और ये नदी अल्टीमेट जाके किस में मिल जाती है सिंधु नदी में इसलिए इस सारे शहरों को एक बार में नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर मिले हैं हाढ़े तीन सौ इसमें से दो तो सौ अकेले गुजरात में मिला है अभी बताओ भैया जब भारत का जब शुरुआती दौर था ना भारत उसमें दो सौ शहर कहां पे थे सब गुजरात में थे पहले से ही थे वहां पे दुनिया का पहला बंदरगाह जो था ना वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में माया गया था वहां पे तो बहुत डेवलप वो कब से था पहले से ही था तो यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता में तो अचानक तो मिल नहीं गया होगा इसकी खुदाई की जा रही थी अंग्रेज जो थे सब भारत में आर्थिक विदोहन यानी पैसे लूटने के लिए आए थे सब तो यहाँ पर उनको लगा कि खुदाई करेंगे तो कहीं से कोयला निकल रहा है झारखंड से कोयला निकाल लिया सब वैसे कहीं से पेट्रोलियम कहीं से सोना कहीं से कुछ निकाल रहा था सब तो ऐसे ही खुदाई करते करते जानकारी के लिए पहले सर्वेक्षण किया जाता है तो सबसे पहली जानकारी यानी मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन लेकिन जब सर्वेक्षण करने का काम आया मैसेज दे दिया गया जानकारी दे दिया चार्ल्स मैसन ने कि भैया इतने दूर में कुछ ना कुछ है कहीं थोड़ा सा घर दिखता है मतलब देखो घर का छत दिखता था आपके घर में भी कुछ-कुछ घर -कुछ दिखेंगे गांव में जो आधा धंस गया है जमीन में अगर पुराना होगा तो धंस गया होगा हमारा पुराना घर तीन सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना होता और अभी के वक्त में जो पुराना वाला घर है वो तीन सीढ़ी नीचे जाना पड़ता है मतलब शहर जो होता है ना धीरे धीरे क्या हो जाता है ऊंचा हो जाता है वही चार्ल्स मैसन जो था ना वो देखता था कि भैया जहां तहाँ कुछ अवशेष मिले हैं कोई दीवार है जो बीस परसेंट ऊपर है अस्सी परसेंट नीचे है इसका मतलब इसका अगर खुदाई करेंगे ना तो नीचे से दीवार मिलेगा तो उतना सीरियस नहीं लिया तो आया कनिंग हम कौन आया कनिंग हम पूरा घोड़ा लेके नाप दिया कितना एरिया में पूरा का पूरा सर्वेक्षण कर दिया कहा कि लगभग तेरह लाख वर्ग किलोमीटर में है कितना में है तेरह लाख किलोवर्ग बहुत बड़ा एरिया उन्होंने बताया था तो सर्वेक्षण करने का काम किसने किया कनिंगम जानकारी सबसे पहले मैसन जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन उसके बाद बताइए सर्वेक्षण कनिंगम सर्वेक्षण करने का काम किया कनिंगम ने कर दिया था लेकिन खुदाई करने का काम दिया गया जॉन मार्शल इसे जान मार्शल लेकिन जान मार्शल एक बहुत बड़ा अधिकारी था यह तो खुद करेगा नहीं तो इसने किसको बुला दिया दयाराम साहनी। दयाराम साहनी साहनी दयाराम साहनी को बुला दिया और दयाराम साहनी जो थे उनको कहा गया स्पष्ट रूप से कि जब इसकी खुदाई करना है ना तो खेत ना जोतना है कि जहां तहां ले आके खोद के चल जाए ये जो दीवाल देख रहा है एक रे रहले खुरपी से खोद खोद के खोद खोद के देखी दीवाल कहां है तो खोद खोद के दीवाल गया नीचे तो गया और कुदारी उदारी से हल्का हल्का खोद रहा था उसे अस्पष्ट निर्देश था मार्शल के के द्वारा कि कि जहां कठोर चीज मिलेगा उसको ही ना खोद फोड़ दे भाई जेसीबी की तरह तो नहीं खोदना तो खोदते गया तो कहा कि भैया दीवार खोदा बगल तो में देखा कुछ नहीं खोदते 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 देखा दौरी तो रेलिंग टाइप का है चारोर बीच में खड्ढा है तो कहा कि तो लग रहा है तलाब है तो कहा और खोद और खोद कहा कि महाराज टाइट है यहाँ नहीं खोदा रहा है कहा कि देख कहाँ से नरम है तो जहां से मिट्टी नरम थी वहां खोदा कहा खुद गया

तीन ठो और घर मिलते 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 तीन सौ से ज्यादा घर मिल गया तो पता चला शहर है ये कहा कि और खोद और खोद तो साइड में खोदा तो कहा कि भैया इसके इधर तो नहीं है तो कहा कि जहां नरम है खोदते चलो तो खोदते गया खोदते गया उस ससुर जगह था इसे पूरा यहाँ पर इसको खोदा इसके बगल में खोदा उसके बगल में खोदा कुछ मिल ही नहीं रहा था लेकिन ये वाला पोर्शन एकदम टाइट का टाइट वहां था दीवाल टाइप का था तो ये खोदते गया खोदते गया इसको मिला ही नहीं कहाँ पे है जब पूरा खोज दिया गया इतना मेहनत से खोद दिया गया तो कहा गया कि महाराज इसके अंदर का एरिया नरम है हमने खोद दिया और यहाँ अंदर कुछ कुछ घर मिले हैं सब बहुत ज्यादा घर मिल गए थे सब लेकिन इसके बाहर का एरिया नरम है इसको पूरा खोद दिया सब तो कहा कि एक काम करो एक मचान बनाओ ऊंचा उसके ऊंचाई से देखा जाए मचान बनाया गया बांस उसका जोड़ के से देखा तो कहा सुझरा बाउंड्री दे ले रही उस समय सेटेलाइट थोड़े था गूगल मैप से ऊपर दे, से देख लो मचान बना के देखा बाउंड्री दिया तो बताया गया कि भैया ये एक शहरी सभ्यता थी यानी यहाँ के लोग शहरी थे शहर के लोग की खासियत होती है बाउंड्री वाउंड्री खुद दे देते हैं लोग अच्छा सिस्टमेटिक बनाते हैं और जितना उसके बाद ही लोग ने गौर किया कि एक घर से दूसरे घर के बीच में जो सड़क है एकदम नाइन्टी डिग्री पे जा रहा है तो ये कैसे पता चला कि शहरी सभ्यता है क्योंकि इनके शहर जो थे एकदम स्ट्रेट बसाए गए थे शहर के चारों ओर क्या थी बेहतरीन ढंग से बाउंड्री बनाई गई थी उसी में देखा गया सड़क क्या था तो सड़क पे जब चला खोद रहा था तो भड़ 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 आवाज किया ना कोई चीज अगर ठोस रहेगी तो उसको पीटेंगे तो आवाज नहीं करेगा कोई चीज खोखला है तो पीटेंगे तो भट भट भटभ क्या करेगा आवाज करेगा तो जब साइड साइड में फोड़ा तो भट भट भटभ आवाज किया सहनी पूछा कि फोर्द क्या है मार्शल लो का, का भड़, 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 भड़ आवाज कर रहा है कहीं ना कहीं से तो लीकेज हो गई उसको ढप 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 ऐसे मान के चलिए ये स, ये सड़क है ये सड़क लेकिन इस सड़क के साइड वाला एरिया में इस पे जब पीट रहा था सब तो आवाज नहीं कर रहा था इस पे सोचो पीटा सब भट भट आवाज कर रहे हैं आप कहा इसके अंदर कुछ है फोर दे क्या था तो ना फोर मत सोचो सब चौपट हो जाएगा यहाँ पे हमें तो पता करना है तो खोदते खोदते गया सब तो एक मेन जगह मिला जहां पर गड्ढा था वहां पर वहां पे खाली जगह था तब पता चला भाई साहब ये मेन एरिया है यहां से जब गढ़ावा में उतर के देखा सब तो कहा सा, भाई अंडरग्राउंड गटर बने ले सब जो कभी गांव में नहीं हो सकता है अंडरग्राउंड गटर गांव में गांव में तो घर के बाहर पानी निकाल दिया जाता है पाइप निकाल के बाहर अब सूख जाए दो घंटा <laughs> नहीं सूखता है तो कहता है मेहमान आने वाले हैं गढ़ावा भर गया तो कुदारी लेके जाता है <laughs> काच कुछ के जगह बना देता है उन लोग वहाँ पे तो उसने कहा कि भैया गटर है और जब इसको देखा तो इधर से एक और गटर आ रही थी इधर से एक और गटर आ रही थी इधर से भी एक आ रही थी तो उसने कहा कि भैया ये एक मेन होल है तो जितनी भी जानकारी मिली वो इससे यही पता चलता है कि ये लोग गाँव के रहने वाले नहीं थे इन लोग के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन थी और ये एक शहरी टाइप के लोग थे जिसके शहरी प्रकृति के होने के कारण कि इनके जो घर जो थे वो पक्की ईट के बने थे या कच्ची ईट के कैसे पता नहीं 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 शहरी क्षेत्र के होने के वजह से हाँ एक तो तो हाँ एक तो तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि पक्की ईट की रहेगा तो ईटवे देख के पता चल जाएगा कच्ची ईट के देखिए अगर कच्ची ईट का रहता ना तो खुदाई में वो चल जाता खुदाई जब करते तो वो भी चला जाता का लाइफ नहीं होता है। जैसे मान के चलिए आप सीमेंट का घर बनाते हैं ना उसकी लाइफ होती है साल, साल के बाद इसका सीमेंट, इसके अंदर का जो लोहे की सरिया है वो अब डैमेज होने लगेगी घीस डाल के सौ डेढ़ सौ साल ले जा सकते इससे ज्यादा सीमेंट वाला नहीं जाता है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जो पुराना घर होगा आपके बाबा दादा के समय का बनाया हुआ उसके दीवार किसी काम के नहीं है उसके प्लास्टर किसी काम का नहीं है लेकिन आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि जो दम पुराना ईंटा में था वो नायका में कौन सी ओल्ड इज गोल्ड तो ईंट जो थे ना उन लोग के कैसे थे पक्के ईंट के थे तो जो ये बताता है कि भैया ये लोग शहरी थे क्योंकि आज भी 2021 में भी गांव में बहुत से मिट्टी के घर है मिट्टी के घर है उसमें फूस ढाल दिया जाता है ऐसे पलानी टाइप के बन जाते हैं तो ये सिंधु सभ्यता किसकी जानकारी दे रहा था शहरी होने का सिंधु सभ्यता किसकी जानकारी तो सिंधु सभ्यता नाम कैसे पड़ गया तो ये नाम देने का काम किसने किया भाई कच्ची का बोलता है आधा एप्लीकेशन वाला दिमाग लगा लो तब बताओ देखो तो जॉन मार्शल जो था इसने कहा कि भाई एक काम कर अभी खुदाई को चालू रखो तो जॉन मार्शल के कहने पर खुदाई को चालू रखा गया जहां तहां से जगह मिले सबसे ज्यादा जगह कहां से मिले गुजरात जब जहां तहां से जगह मिलने चालू हो गया था तो ये देखा गया कि जितने जगह मिल रहे हैं वो नदी के किनारे मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे थे नदी के किनारे और ये सिंधु नदी के किनारे आसपास में थे इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया सिंधु घाटी सभ्यता घाटी का मतलब क्या होता है उसके तट पर उसके करीब जैसे हम लोग गंगा की घाटी में रहते हैं हम लोग किस घाटी में रहते हैं गंगा घाटी में यहाँ से गंगा तो नहीं दूर हम लोग किस घाटी में रहते हैं गंगा घाटी में तो पटना बिहार किस घाटी में गंगा अब भले आप कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ से तो कोसी करीब है कोई कहेगा गंडक करीब है भैया कोसी या गंडक कहाँ जाती है यहीं आती है आप बिहार की किसी नदी को देख लीजिए गंगा अरे भैया गंगा बिना पार कहीं नहीं होगा यहाँ आदमी भी मरता है तो गंगे में जाता है देखते हैं गा? तो यहाँ तो हर चीज गंगा भाई जन्म से लेकर मृत्यु तक यहाँ गंगा से ही आश्रित है चाहे वो मुंडन हो चाहे वो आपकी अस्थि दहन हो हर चीज यहाँ होता है तो यहाँ की नदियां हैं तो अल्टीमेट तो गंगा में ही आती हैं तो अगर ये सिंधु सभ्यता की जो खुदाई है अगर बिहार से हुई रहती तो इसे कौन सी सभ्यता कहते हैं गंगा घाटी की सभ्यता कहा जा सकता तो उधर सिंधु के आसपास में मिला है तो सिंधु सभ्यता कह दिया गया किसी कोई दिक्कत शहरी कहने का सबसे बड़ा चीज क्या है क्या कैसे पता चला कि यह शहरी है क्योंकि इसके पास जितने जानकारी मिले थे वो ये बताते थे कि ये कैसे है शहरी

और खुदाई के आदेश के बाद जान मार्शल ने ही इसका क्या कर दिया था नामकरण कर दिया अब सिंधु सभ्यता में धीरे 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 धीरे, धीरे खुदाई का काम चालू हुआ था तो सिंधु सभ्यता में ना देखा गया कि इसके कहा तक सबसे ज्यादा विस्तार है तो हम आपसे कहते हैं आप बताइए कि इस क्लासरूम का विस्तार अगर देखना है आपको इस क्लासरूम का आंसर का क्लासरूम कितना बड़ा है तो एक तरीका क्या है चारों डायरेक्शन नाप लीजिए इस कोना कहां से शुरू है इस कोना कहाँ से ये कोना कहाँ है ये क्लासरूम है यही ना साइंटिफिक तरीका होता है और कौन तरीका दूसरा कौन तरीका लाएंगे यहाँ पर चारों कोना मिला के बना दीजिए यहाँ पे ये क्लासरूम इतना बड़ा है तो उसी तरह से अगर हम आपसे कि सिंधु सभ्यता कितना बड़ा है चारों कोना पकड़ के मिला दीजिए मिल जाएगा तो समझ जाइएगा कि आपका हो गया सिंधु सभ्यता आप तो सिंधु सभ्यता में जब देखा गया कि भैया इसका एरिया डिजाइन बनाने के लिए तो इसका एरिया देखा गया तो इसका सबसे लास्ट जगह जगह मिल रहा था पाकिस्तान में मिल रहा था पाकिस्तान में मिला था जिसका नाम था सुतका गेंडोर क्या नाम था सुतका गेंडोर इसका सबसे लास्ट कैरियर क्या मिला सुतका गेंडोर और कश्मीर में एक जगह मिला था मांडा कौन सा मांडा कश्मीर में एक जगह मांडा दक्षिण में महाराष्ट्र में एक जगह मिल रहा था देखिए इसके लिए दैमाबाद कौन सा जगह था दैमाबाद दक्षिण में कौन सा जगह दैमाबाद और इस साइड में देखा गया कि कहा बिहार तक है तो ये बिहार तक नहीं आया था और यूपी में भी एंट्री नहीं मारा था दिल्ली के करीब एक जगह है आलमगीरपुर दिल्ली के पास एक जगह है आलमगीरपुर ये वहीं खत्म हो गया क्या हो गया वहीं खत्म हो गया तो इसको जो था ये ज्यादा इस डायरेक्शन में नहीं गया था ये जो चीज था ये ज्यादा इस डायरेक्शन में नहीं था यानी इसका पूर्वी भाग ज्यादा विस्तार नहीं था पूर्वी भाग एकदम इधर ही था तो ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे कम विकास किस डायरेक्शन में हुआ था पूर्वी भाग में किस भाग में पूर्वी भाग अगर ये पूर्वी भाग में हुआ रहता तो सिंधु सभ्यता की आकृति चौकोर होती क्योंकि जब मिलाते तो चौकोर हो गई रहती लेकिन सिंधु सभ्यता का विकास किस दिशा में ज्यादा नहीं हुआ था हाँ पूर्वी दिशा इस वजह से जब हम इसे मिलाते हैं तो ये पूर्वी भाग बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है तो इसलिए एक सिस्टमेटिक ढंग को करने के लिए इसको यहीं छोड़ दिया जाता है और इस दोनों को मिला दिया जाता है ये कैसा हो गया त्रिभुजाकार तो सिंधु सभ्यता का विकास पूर्वी दिशा में बहुत ही कम होने के कारण ही इसका आकार कैसा हो गया है त्रिभुजाकार कैसा हो गया है त्रिभुजा लगभग तेरह लाख वर्ग किलोमीटर एरिया आ जाता है स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है तेरह लाख सोचेंगे तो सीधे तेरह लाख नहीं है लंबाई चौड़ाई सब मिला देता है इसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो सब मिला देता है इसलिए ज्यादा लगने लगता है जैसे हम आप ही को कहें ना कि चार बाई चार का कमरा है कितना का चार बाई चार का कमरा यानी चार मीटर लंबा है और चार मीटर 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 चौड़ा है तो इसका एरिया कितना स्क्वायर स्क्वायर त्रिभुजाकार मिला कौन सा त्रिभुजाकार आप बताइए इसका सबसे पश्चिमी छोर का नाम क्या था सुतका गेंडोर कौन सा सुतका गेंडोर इसका मांडा ये आलमगीरपुर ये दैमाबाद कौन सा जगह दैमाबाद जगह का नाम दैमाबाद ये याद रहेगा सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिले थे सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले थे पूर्वी भाग पश्चिमी भाग सुदका गेंडोर पश्चिमी भाग उत्तरी दक्षिणी पूर्वी आलमगीरपुर पूर्वी पश्चिमी सुदका गेंडोर पश्चिमी सुदका गेंडोर पश्चिमी पूर्वी उत्तरी उत्तरी दक्षिणी डायनामाइट दायनाबाद लड़की सबको याद नहीं रहता ना कुछ बोल देती है सबको अगर मान के चले दायनाबाद याद नहीं आ रहा है डायनामाइट भी तो हो सकता है लड़का सब का है बहुत होशियार समझता है ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वाले आप लोग को समझाते हैं आप लोग को लगता है कि ऑफलाइन वाला बहुत मन से पड़ता है इतना खचरा है कि अगर गलती से मेरा नजर पड़ जाएगा हम पूछेंगे दक्षिणी कुछ नहीं बोलेगा मुआ चला देगा अरे बबुआ तू जो सड़क पे है ना उसके हम ट्रैफिक पुलिस थे जब हाल मतलब किसको धोखा दे रहे हो यहां हर पल हर क्षण आप किसी ना किसी से दूर होते जाते हैं कंपटीशन की दुनिया में हर पल आपको कोई ना कोई पीछे छोड़ के जा रहा होता है हर पल और वैकेंसी तो लिमिटेड है ये दुनिया एक दौड़ है एक वक्त था जब कहा जाता था कि बिल गेट्स बहुत अमीर है हां हर वक्त कोई ना कोई किसी को पछाड़ देता है एक वक्त था जब पत्नी से कर्जा लेने वाले इलोन मस्क और उनका विवाद ब... हो गया था खुद की फैमिली में बहुत का मतलब विवाद हो गया था आज देखिए तो

मैसेज से मैसेज सर्वेक्षण खुदाई का आदेश मार्शल कौन मार्स ये खुदाई चालू हुई 1921 में किसमें 1921 में इस खुदाई में पैसा आया होगा कि नहीं आपके गांव में मुखिया जब एक तालाब खुदवाता है ना तो कितना खुदाता है इसका बात अलग है लेकिन 10-12 लाख तो वो ऐसे ही मार लेता है कि नहीं नल जल योजना एगो दुकान आई है डेली न्यूज़ नल योजना उस वक्त भी कहीं ना कहीं उन्नीस में जब खुदाई हो रही थी तो फंडिंग कोई ना कोई भले कोई कोई तो मतलब हमारे यहाँ तात्विक विभाग जो थे किसे कहा जाता है जनक पुरातात्विक विभागम मिल गया यहाँ कनिंगम तो पुरातात्विक का जनक कहा जाता है कनिंगम को लेकिन क्वेश्चन पूछेगा पुरातात्विक विभाग किसने चालू किया था विभाग विभाग कोई वायसराय था भारत का कौन सा वायसराय था जिसने सर्वेक्षण विभाग ये सब चालू लॉर्ड कर्जन वेरी गुड कर्जन ने चालू किया था किसने कर्जन तो इसने चालू किया था करजन इसीलिए लॉर्ड करजन के कार्यकाल को इतिहास में पढ़ाएंगे आगे जाके कि आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है इसने बहुत सारा आयोग गठित किया था विश्वविद्यालय आयोग अकाल आयोग सर्वेक्षण विभाग पुरातात्विक विभाग पुलिस सुधार आयोग बहुत ही आयोग बना दिया इसलिए करजन के कार्यकाल को क्या कहा जाता है आयोगों का कार्यकाल कार। और यही वो करजन था जो भारत में तोड़ने की कोशिश किया था हिंदू मुसलमान के लिए क्या करके बंगाल विभाजन वही करजन था ससुर किसी को कोई दिक्कत नहीं है रेडी है कल टेस्ट के लिए yeah. Yeah. किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कल हाँ सिंधु सभ्यता छोड़ के पाषाण काल का टोटल ये भाई पूछ रहा है कौन चैप्टर से होगा <laughs> चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं पीडीएफ एप्लीकेशन वाले आप सब लोग को मिल चुका है ठीक है गर्ल्स लोग निकलेगी लोग तेजी से हॉल नंबर दो तीन वाले आप वो लोग दूसरे गेट से निकलेंगे हो गया लाइव वाले आप लोग का पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं जस्ट अभी आपका पीडीएफ शो हो रहा है पीडीएफ शो हो जाते जैसे अभी अपलोड कर दिए हैं ठीक है एक घंटे लगेंगे पीडीएफ शो होने में पीडीएफ जैसे हो जाएगा आप उसे अच्छे से पढ़िएगा और रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए आपके टेस्ट को अपलोड कर दिया जाएगा सुबह में ठीक है टाइमिंग सेट हो जाएगा रात को ही अपलोड कर देंगे लेकिन शो होगा सुबह में आप लोग को पी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी कोई दिक्कत नहीं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद ऑफ करिए